भारत बनाम श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की। पारी की शुरुआत में शुभमन गिल ने काफ़ी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने अपना बल्लेबाजी का गियर बढ़ाते हुए लगातार श्रीलंकाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू किया। इसके बाद शुभमन गिल ने पहले अपना अर्धशतक को अंजाम दिया, उसके बाद तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए अपने दूसरे वनडे सेंचुरी को अंजाम दे दिया। शुभमन गिल की बात करें तो आज उन्होंने 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ शतक लगाया। शुभमन गिल लगातार वनडे क्रिकेट में बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अपने डेब्यू से लेकर अब तक शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में 900 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। शुभमन गिल बहुत ही कम उम्र में वनडे क्रिकेट में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 2 शतक लगाने के साथ साथ 5 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनकी पारी की बात करें तो शतक लगाने के बाद बल्लेबाज 5वें गियर में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने लगातार चौके लगाते हुए टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। शुभमन गिल की पारी की बात करें तो आज बल्लेबाज ने मात्र 97 गेंदों का सामना करते हुए 116 रनों की पारी खेली। इस दौरान बल्लेबाज के बल्ले से 14 चौके और 2 छक्के भी निकले। आपको बता दें कि शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए कुल 131 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। शुभमन गिल के वनडे करियर की बात करें तो ये उनका दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले जिम्बाब्वे के विरुद्ध शुभमन गिल 130 रनों की पारी खेल चुके हैं। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में भी बल्लेबाज ने शतकीय पारी खेली थी। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रनों की भी साझेदारी की। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में काफ़ी तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को तेजी से रन लगा के दिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में शुभमन गिल और कितनी बेहतर बल्लेबाजी कर पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।